इसके साथ साथ व्हाई वेस्टेज, वेस्टेज क्यों करना है? दुनिया में बहुत सारी कंपनी है, वेस्टेज क्यों करना? बहुत कंपनी है, आएंगे, लेकिन वेस्टेज क्यों करना? इसीलिए करना, नेक्स्ट, इसीलिए करना कि वेस्टेज इंडिया का नंबर वन लार्जेस्ट डायमंड सेलिंग कंपनी है। वेस्टेज कंपनी ने प्रूव कर दिया 18 साल के अंदर, इंडिया का अंदर, इंडिया का बाहर भी 7 कंट्री में हमारा बिजनेस है, और इसके साथ कितने सारे ब्रांच, डीएलसीपी, प्रोडक्ट, एप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, पे आउट, हाईएस्ट अचीवर, हाईएस्ट इनकम, कार बुक। देखो कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसका महीने का इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। हर महीना सिद्धार्थ सर का इनकम 1 करोड़, हाईएस्ट इनकम 1 करोड़ 68 लाख। सर मैं सैल्यूट करता हूँ कि जो ये इंडस्ट्री और ये वेस्टेज कंपनी प्रूफ करके दिखा दिया, अभी हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। क्योंकि वेस्टेज 18 साल हो गया, यानी जवान हो गया, जब बच्चा था इतना करते, अभी जवान है, क्या क्या होगा आगे, तो आपका सोच को बढ़ा करो, विश्वास को बढ़ाओ। इसके साथ साथ ऑनेस्ट और एथिकल कंपनी है, 18 इंडिया में भी 26 साल का कंपनी है। वेस्टेज एथिकल है, ऑनेस्ट है, इसलिए आगे बढ़ रहा है, और विजनरी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का पास तजुर्बा एक्सपीरियंस है, इसीलिए वेस्टेज कंपनी में हम सब हैं। लोगों का पास पहले बैठो, उनका विजन क्लियर कराओ, इसके बाद इस विजन क्लियर करने के बाद फिर प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट, फिर वो अचीवमेंट कैसे करेगा, उनको इनकम कैसे आएगा, उनका ड्रीम कैसे फुलफिल होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लर्न, सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा। जब तक नहीं सीखोगे आगे नहीं बढ़ोगे। सीखने का कोई मतलब उम्र नहीं है, देयर इज नो लिमिट टू विजडम, सीखना है। सीखने के बाद फिर आपको सीखने के बाद फिर डू, आपको काम करना है। लोग क्या करते हैं, बिना सीखे काम करते हैं, नो, पहले सीखो। डॉक्टर तो पहले, इंजीनियर, लॉयर पहले तो 4-5-6 साल वो सीखते हैं, सीखने के टाइम में 1 रुपया इनकम नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होता। आप सीखो, सीखो, इसके बाद काम करो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सीखो, काम करो, गलती होगा फिर सीखो, एक दिन में तो कोई सीख नहीं सकता, और इसके बाद लोगों को सिखाओ, ये प्रोसेस है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, ग्रेजुएशन तो एक बंदा को 15 साल पढ़ाई करना पड़ता है, यानी एक साल में अगर 365 डेज मान लो छुट्टी होता है, 300 क्लास तो अटेंड करता है, और 15 साल में लगभग 4,500 क्लास अटेंड करता है। 15 साल में इतना क्लास अटेंड करने के बाद सिंपल ग्रेजुएट 10-15 हज़ार से ज्यादा नहीं इनकम कर रहा है। लेकिन इधर अगर सीखोगे, कैसे सीखोगे, ये जो आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इतना बड़ा सक्सेस सेमिनार अरेंज हुआ है, इसके आके आपको कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ये सब लोग एक मीटिंग में सब नहीं सीख पाओगे, एक मीटिंग में 1% सीखोगे, कितना सीखोगे, 1%। आप सीखोगे लगातार बार बार, तो जाके आपका अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा, लीडरशिप डेवलपमेंट होगा, आप परफेक्ट हो जाओगे, तो आप काम करने में आसान होगा। लेकिन आपको लगातार आना पड़ेगा, एक सेमिनार में कुछ नहीं होगा। आप जिंदा रहने के लिए तो एक बार खाते हो क्या भाई, रोज 3-4 टाइम खाते हो जब तक जिंदा है भाई। लाखों रुपया कमाना है लगभग तो 100 सेमिनार अटेंड करो, एक सेमिनार में अगर 1% सीखोगे 100 सेमिनार में 100% सीख जाओगे, जब सीख जाओगे फिर लगाओगे आप, आज जहां पे जाओगे बिजनेस होगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे भी कुछ पता नहीं था, मार्केटिंग को कोई सीख के नहीं है, मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कुछ पता नहीं था। मैंने सिद्धार्थ साहब का बात माना और मीटिंग अटेंड किया, जहां जहां बुलाते हैं मैं मीटिंग अटेंड करने दिल्ली आ जाता, सामने वाले दिल्ली आ जाओ, आ गया कि एसबीसी अटेंड करो, एमएमआई अटेंड करो, सक्सेस सेमिनार अटेंड करो, जो मुझे बोलते हैं मैं करता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इंसान का जो ब्रेन होता है ना वो बिल्कुल खाली होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है। आप मीटिंग आओगे, हर मीटिंग में कुछ कुछ सीखोगे, सीखने के बाद आपका अंदर बिलीव कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते जाएगा, जब हाई हो जाएगा तो आपका बिजनेस एक नया लेवल, नया हाइट में जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये पानी बोतल है, राइट, ये मान लीजिए ये पानी बोतल, ये इंसान का ब्रेन है बिल्कुल खाली है, राइट, इंसान का ब्रेन नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर नॉलेज बिल्कुल खाली है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से आप देखिए,
ये बोतल खाली है, ये इंसान का ब्रेन है पूरा खाली है। अभी आप पहला सेमिनार आए, 1% सीखा, कैसे आप हाथ ऐसे करो, ये आपका हाथ को क्या कहते हैं इसको, चुल्लू। एक चुल्लू पानी लो, मान लो इधर डाल दो, फूल नहीं होगा, थोड़ा तो आएगा लेबल, हाँ या ना। नेक्स्ट सेमिनार आओगे 1% सीखोगे, फिर चुल्लू भर नॉलेज ज्ञान आपका दिमाग में गया, थोड़ा नॉलेज बढ़ा, फिर एक सेमिनार, फिर नॉलेज, फिर बढ़ा, फिर एक सेमिनार, फिर एक सेमिनार, ऐसे एक एक सेमिनार अटेंड करते जाओ, ब्रेन का अंदर नॉलेज स्किल आपका बिलीव लेवल कॉन्फिडेंस जाएगा। जब एक दिन नॉलेज के बाद एक दिन क्या हो जाएगा, फूल, फूल होने के बाद फिर डालोगे क्या होगा, ओवरफ्लो। जतेंद्र नायक जीरो था, कुछ पता नहीं था, मीटिंग अटेंड किया, मीटिंग अटेंड किया, मीटिंग अटेंड किया, मीटिंग अटेंड, मीटिंग अटेंड, मीटिंग अटेंड, मीटिंग अटेंड, सीधा 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 ब्रेन फूल हो गया, सीधा था का फोन आ गया, जतेंद्र जी आना है, मैंने बोला यस सर, ला गया आप लोगों को सिखाने के लिए, समझ में आ रहा है। मीटिंग अटेंड किया, दिमाग में फूल हो गया और मुंह से निकल गया, आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ, एवरीबॉडी क्लियर। आप मीटिंग अटेंड करो सीधा सर, आपको बुलाएंगे, मैं भी आपको बुलाऊंगा, अटेंड करो, सीखो 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 सीखो, पूरा नॉलेज लो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर आपका लाइफ में चार चांद, यानी आपका सपना पूरा होगा। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, सीखने का ऊपर ज्यादा फोकस दीजिए, लर्न और देयर टू बिग ड्रीम, बड़ा ड्रीम देखने की हिम्मत। कोई भी इंसान लाइफ में जो भी आज सफल है ना, कोई भी काम, कोई भी सपना हिम्मत से साहस करके देखा और काम शुरू किया और अचीवमेंट हो गया। स्टार्टिंग होता है कि कॉरेज, हिम्मत, आप हिम्मत ले लिए, आप सबको कंग्रेचुलेशन, आप वेस्टिज में ज्वाइन किए, ग्रस्त परिवार में इतना बड़ा सक्सेस सेमिनार और हमारा साथ सिद्धार्थ सर है, आज जो हिम्मत करके आए हो ना, वही हिम्मत लगातार 100 सेमिनार अटेंड करो, देखो आप भी आपका घर में पहला करोड़पति बनोगे, इसे जबरदस्त माइंडसेट कहते हैं। और नेक्स्ट, क्रिएट योर ओन रीजन, एक रीजन क्रिएट करो, बिलीव आपका अंदर डेवलप करो, टाइम मैनेजमेंट सबके लिए 24 घंटा, 24 घंटे से कैसे आप काम करोगे, टाइम मैनेजमेंट करो, जल्दी उठना है तो आप टीवी देखना बंद करो, मूवी देखना बंद करो, न्यूज़ देखना बंद करो, तो आप जो आपका बैड हैबिट बंद करो, गुड हैबिट डेवलप करो, टाइम मैनेजमेंट करो। तो आप पार्ट टाइम करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नौकरी पढ़ाई आपका बिजनेस खेती बाड़ी के साथ किसी भी हाल में 24 घंटे से आप 20-22 घंटा जो भी करो, लेकिन 2-4 घंटा रोज एक आदमी को प्लान दिखाओ। स्टार्टिंग में आप काम शुरू करो पूरा प्रोफेशनली सीरियसली, टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, कहावत है हु इज द मास्टर ऑफ पेशेंस, ही इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। अगर आपका पास धैर्य है, आप बहुत ऊंचाई को आप छू लोगे अगर पेशेंस है। पेशेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और पेशेंस का साथ साथ हर इंसान का पास एक होना चाहिए ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी भी होना चाहिए, ईमानदार से काम करना कि पीपुल्स का बिजनेस है, हमको दुआ चाहिए बदुआ नहीं चाहिए, थोड़ा लेट हो जाएगा, ऑनेस्टी काम करो, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ईमानदार से काम करोगे ना, लोग आपको सैल्यूट करेंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि ऑनेस्टी के बाद आता है सबमिशन, आप सबमिशन करो, यानी मैंने जैसे सिद्धार्थ सर को गुरु माना, मेंटर माना, मैं सबमिशन कि सर आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिद्धार्थ सर जो बोलेंगे मेरा भलाई के लिए बोलेंगे। आपको भी सबमिशन होना है, अगर सबमिशन हो जाओगे यानी सरेंडर खुद को कर लोगे तो आपका सक्सेस सुनिश्चित, गारंटी। सबमिशन मोड में आ जाओ, 100% आपका ग्रोथ होगा, ये प्रूवन मेथड है सबमिशन। और हार्डवर्क यानी मेहनत, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंसान का पास सबसे बड़ा पूंजी होता है हार्डवर्क, जो मेहनत करने के लिए तैयार है उन लोगों को ऊपर वाला चप्पड़ फाड़ के देगा, सोच से ज्यादा देगा। मेहनत करने के लिए तैयार हो, कितने लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? खुद के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, वेरी बिग, नो कंप्लेंट, मेहनत करना है, आंधी बारिश तूफान आएगा, नो एक्सक्यूज,
भाई आंधी बारिश तूफान उनका काम करेगा, लेकिन हम मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका जीत सुनिश्चित है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता, एक ही मेथड होता है, उसको कहते हैं हार्ड वर्क। इसके बाद सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस यानी शुरुआत में तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कोई भी इंसान बड़ा चीज हासिल करने के लिए सैक्रिफाइस, मैंने भी बहुत सैक्रिफाइस किया, मतलब एक बहुत फंक्शन, दिवाली, होली, बर्थडे, ये सब सैक्रिफाइस किया, टीवी मूवी सब मैंने सैक्रिफाइस किया, मेडिकल केस छोड़ के, बाकी मेरा एक ही फोकस था, एक ही गोल था, एक ही टारगेट था कि मुझे 5 लाख लोन क्लियर करना है, कार खरीदना है, घर बनाना है, मैंने 10 लाख इनकम करना है, 20 लाख इनकम करना है। मतलब इनिशियली आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है उनको बड़ा इनकम मिलता है, बड़ा सक्सेस मिलता है। सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? कितने लोग सैक्रिफाइस, छोटा मोटा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? खुद के लिए जोरदार ताली। सैक्रिफाइस बहुत बड़ा चीज है। आपको लगेगा एक बार क्या हुआ, देखो मैं सैक्रिफाइस की एक छोटी सी बात कह रहा हूं, इनिशियली आपको लोग गलत समझेंगे, बाद में आपको थैंक यू बोलेंगे या आपको वाह वाह करेंगे, सैल्यूट करेंगे। एक बार मेरा दोस्त का शादी था और मैंने नहीं गया, मैंने मीटिंग में गया, लेकिन मेरा दोस्त नाराज हो गया, यार तू मेरा जिगीर दोस्त नहीं आया। मैंने बोला यार जा, मैंने सोचा जाके क्या करूंगा, एक तो एनवेलप में 100 रुपया दूंगा और क्या दे सकता हूँ, कुछ नहीं दे सकता हूँ, नहीं जाऊंगा, लाखों रुपए इनकम होगा, मैं उनका घर जाऊंगा, उनका को गोल्ड रिंग उनको गिफ्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। मैंने नहीं गया और मेरा दोस्त ने नाराज हो गया और मैंने मीटिंग में चला गया, और जब मेरा लाखों रुपया आया, होंडा सिटी कार आया, उसके बाद मैं उनका घर गया, जाके उनको गोल्ड रिंग मैंने गिफ्ट दिया। मेरा दोस्त ने बोला यार तू होंडा सिटी लेके आया है, गोल्ड रिंग गिफ्ट दे रहा है, तू क्या कर रहा है? मैंने बोला मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं बिजी हूँ और मैं जा रहा हूँ यार दोस्त, सॉरी मैं नहीं आ पाया था रिसेप्शन में दिन, और आज आया, सॉरी बोला और उनको गिफ्ट दिया। बोले नहीं नहीं तू रुक जा और तू क्या कर रहा है मुझे बता। जब बोला क्या करना है बता, मैं फिर शुरू कर दिया प्लान शो। जब प्लान शो शुरू किया, बोला ये सब बढ़िया बिजनेस है, तू और 1 घंटा रुक जा, मटन मंगाएंगे तू खाएगा, मेरा साला आ रहा है उनको भी ज्वाइन कराएंगे। वो बिजनेस समझ में आ गया, बोला रुक जा, मटन मंगाएंगे खाओगे लंच करोगे और साला आ रहा है उनको भी ज्वाइन कराना। भाई जो छोटा सैक्रिफाइस आपको बड़ा रिटर्न देगा, ये सक्सेस का फॉर्मूला है। कितने लोग इनिशियली छोटा मोटा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? मीटिंग आने के लिए बहाना चाहिए, मीटिंग आने के लिए बहाना। जो लोग कामयाबी नहीं होना चाहते हैं मीटिंग आने के लिए बहाना करते हैं, जो सफल नहीं होना चाहते हैं वो बहाना करते हैं सर आज बारिश हो रहा है, घर में मेहमान आ गया। अगर कामयाबी होना है तो मीटिंग आने के लिए आपको बहाना करना पड़ेगा। कितना लोग बहाना करके मीटिंग आएंगे और सीखने के लिए तैयार है, उन लोगों को ही बड़ा सक्सेस मिलेगा। एवरीबॉडी क्लियर? यस। मीटिंग आने के लिए क्या चाहिए? बहाना। एवरीबॉडी क्लियर? लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट में एक आपको एक लीडरशिप डेवलप करना है। इट्स अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप, ये लीडरशिप का बिजनेस है। लीडर लीड बाय एग्जांपल, लीडर लीड बाय एग्जांपल। माँ के पेट में कोई सीख के नहीं आता है, लीडर मीटिंग ट्रेनिंग आता है, खुद सीखता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बिलीफ डेवलप होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो लीडर बन जाता है। आपको लीडर बनना है। लीडर कैसे बनेंगे? एक मैं एक आपको एक टेक्निक दे रहा हूं, लीडर कैसे बनेंगे। कोई भी इंसान ज्वाइन करता है वेस्टिज में, उनको बोलो कि सर आपको कोर लीडर बनना है। कोर लीडर का मतलब क्या है? कोई करे या ना करे पहले आप खुद करो, कोर लीडर बनना है। कोर लीडर का फुल फॉर्म क्या है? सी मतलब होता है कमिटमेंट। आप खुद का साथ कमिटमेंट करो, ये बिजनेस में करूंगा, कमिटमेंट करो। कमिटमेंट का मतलब प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए, कमिटमेंट करो ये बिजनेस में करूंगा, ये पहला कमिटमेंट। इसके साथ साथ
कोई करे या ना करे आपको करना है, ये कमिटमेंट खुद का साथ करो। मैं प्रॉड खाऊंगा, मैं फील्ड वर्क करूंगा, मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, ये कमिटमेंट पहले खुद का साथ करना है। और इसके साथ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार मीटिंग आना है, लगातार प्रोडक्ट यूज करना है, लगातार सीखना है, लगातार कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी यानी लगातार बार बार, जैसे हमारा वेस्टीज कंपनी का एक कंसिस्टेंसी ऑफर है 100 PV का, 60 PV का। हर डिस्ट्रीब्यूटर को अगर लाखों रुपया कमाना है, लग्जरी कार खरीदना है, 2 तारीख को 10 बजे ऑफिस खुलता है, 10 बजे आपका मोबाइल का आप में माई टीवी में आइदर 100 PV नहीं तो 60 PV होना चाहिए, तब कॉन्फिडेंस आएगा किसी को जाके आप खोल के दिखा पाओगे। आपका मोबाइल में माई टीवी 0, आप किसको दिखाओगे, किसको प्लान दिखाओगे, आपका तो कॉन्फिडेंस 0। पहले तो लीडर मतलब पहले तो आपको अब दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक लोग आपका पीछे आएंगे। लीडर लीड बाय एग्जांपल, आपको कंसिस्टेंसी करना होगा। कितने लोग हैं जो 2 तारीख को 10 बजे आप 100 PV या 60 PV करते हैं, प्लीज रेज योर हैंड, खुद के लिए जोरदार ताली। जब आप कर रहे हो उसको आप दिखाओ, आप स्क्रीनशॉट करके मोबाइल स्क्रीनशॉट हो या इनवॉइस को आप भेजो ग्रुप में, ऑटोमेटिक डाउनलाइन करेंगे। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जब आप करोगे ऑटोमेटिक टीम करेगा। ये संसार का नियम है, ये बिजनेस का रूल है, आपको कंसिस्टेंसी भी करना पड़ेगा। और सी के बाद आता है ओ का मतलब होता है ओनरशिप। ये बिजनेस का मालिक आप हो, ये बिजनेस का मालिक आप हो, कभी नहीं सोचना आप कंपनी के लिए कर रहे हो, अपलाइन के लिए कर रहे हो, ये बिजनेस का मालिक आप हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, सपने के लिए कर रहे हो, आपका फैमिली के लिए कर रहे हो। ओनरशिप मेंटालिटी में काम करो। और इसके साथ साथ आपका हक है, आप भी अपलाइन से ज्यादा इनकम कर सकते हो। इसमें कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं, बढ़िया प्राइवेट गवर्नमेंट एनी नौकरी, जो जॉब करते हैं जॉब करो, लेकिन ये बिजनेस को मालिक जैसा सोच के करो। नौकरी में क्या होता है, जॉब में आपका अपन कोई बॉस होता है, हाँ या ना, उनका इनकम ज्यादा होता है, लेकिन इधर आप अपलाइन से ज्यादा कमा सकते हो। जल्दी जल्दी काम सीखो, इंडिपेंडेंट बन जाओ, अपलाइन से ज्यादा कमाओ। मैंने ज्वाइन किया, सिद्धार्थ सर मुझे सिखाए, 7 महीने के अंदर मैं सब कुछ सीख लिया और इंडिपेंडेंटली तो day 1 से भी मैं काम शुरू कर दिया था। जो गलती था और सीखा, जल्दी जल्दी सीखो, पहले डिपेंडेंट जल्दी जल्दी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बनोगे तो स्पीड आपका बढ़ेगा। ये बिजनेस आपको करना है ओनरशिप मेंटालिटी, लेकिन जॉब में नहीं होगा, जॉब में ऊपर बॉस होता है। ये सुनो, बॉस को हम कहते हैं हिंदी में खतरनाक जानवर, कभी भी सस्पेंड कर सकता है, कभी भी ट्रांसफर, मॉर्निंग अपॉइंटमेंट इवनिंग सस्पेंड। लेकिन इधर आप मालिक हो, ये बिजनेस आपका है, आप सपने को पूरा करोगे, अपलाइन से भी ज्यादा कमा सकते हो, ओनरशिप मेंटालिटी। इसके बाद ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, कभी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, आशा रखना। जिंदगी में अप एंड डाउन रहेगा, आप घर में रहते हो, कभी पावर कट हो जाता है, कभी नमक खत्म हो गया, कभी पानी प्रॉब्लम हो गया, होता है अप एंड डाउन, ये पार्ट ऑफ लाइफ। आशावादी रखो, यानी हमेशा सोचो, मान लो इस महीना टारगेट था आपका इनकम 2 लाख की, लेकिन इनकम आया 1.5 लाख, क्या हुआ, 1.5 लाख तो आया, थैंक्स गॉड, क्या कमी है, खुद को सुधारो और प्लानिंग करो और मेहनत करो, 2 लाख क्या 2.5 लाख में पहुंच जाओगे। यानी मेरा कहने का मतलब है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सोचो। जितने बड़े बड़े लोग कामयाबी आप देख रहे हो, सबका पीछे बहुत फेल्यूर, रिजेक्शन, नेगेटिविटी है, सब लोगों का, चाहे अमिताभ बच्चन, चाहे लिंकन, चाहे हर इंसान का देखो, लाइफ में रिजेक्शन, नेगेटिविटी, अप एंड डाउन रहेगा, लेकिन उनका मन में क्या था, मैं नेक्स्ट अच्छा करूंगा। जैसे तेंदुलकर ने 0 में आउट हो गया, लेकिन उनका मन में क्या था, इस मैच में 0 में आउट हो गया, नेक्स्ट मैच में सेंचुरी करूंगा। वही ऑप्टिमिस्टिक सोच, 100 सेंचुरी कर दिया, गॉड ऑफ क्रिकेट, भारत रत्न अवार्ड सब मिल गया उनको, वही सोच ऑप्टिमिस्टिक। इस बार 0 में आउट हो गया, क्या हुआ, नेक्स्ट में सेंचुरी कर लूंगा, ये ऑप्टिमिस्टिक होता है, ये कोर लीडर का ये एटीट्यूड है। नेक्स्ट रिक्स, आपको रिक्स लेना पड़ेगा, यानी आपको रिक्स, देखो मैं सिद्धार्थ सर को सैल्यूट करता हूं, और जितने भी लीडरशिप आप बैठे हो, आप सब रिक्स लिए हो कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में डबल सेशन करेंगे। ये जो रिक्स लिए हैं, कितने लोगों का लाइफ चेंज हो जाएगा, उसको कहते हैं रिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सपना देखने का रिक्स, हिम्मत करके सपना देखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी भी लेना है।
पीछे नहीं हटना है। कोई भी काम आता है अपलाइन को पूछो, सर मुझे भी कुछ काम दो मैं भी करूंगा। जो जिम्मेदारी लेता है, रिक्स लेता है, वो आदमी आगे बढ़ता है। आप रिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो तब जाकर आप जल्दी जल्दी सीख जाओगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट ई का मतलब एजुकेशन, सीखते रहिए। एजुकेशन का कोई उम्र नहीं है, सीखते रहिए। एजुकेशन लेते रहिए, हर मीटिंग में कुछ कुछ आप सीखोगे। एजुकेशन जहां पर भी मीटिंग हो रहा है आप सीखो। और एक्साइटमेंट, हमेशा एक्साइटमेंट में काम करना। चाहे एक आदमी को प्लान दिखाओ, दो आदमी को प्लान दिखाओ, तीन आदमी को प्लान दिखाओ, 50 आदमी को प्लान दिखाओ, ऑलवेज एक्साइटमेंट। आप हमेशा माइंड में क्या रखना, आई एम गिवर, मैं देने के लिए जा रहा हूँ, मैं देने के लिए जा रहा हूँ, एक इंसान को अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहा हूँ। नेक सोच का साथ घर से निकलो कि भगवान मुझे साहस दो, शक्ति दो, आज मैं प्लान दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे वो जिंदगी में, उनका लाइफ में, जिंदगी में परिवर्तन आए, उनका सपना पूरा हो जाए, उनका इनकम आए, उनका घर में खुशी आए, यानी एक एक्साइटमेंट के साथ काम करो। एक्साइटमेंट कब आता है, जब आप कोई ड्रीम देखते हो और किसी को देने के लिए जा रहे हो। आप एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हो, वी आर गिवर, हम देने के लिए जा रहे हैं। खुद को प्राउड फील करो और एक्साइटमेंट का काम करो, ऑलवेज एक्साइटेड रहना। ये बिजनेस का जो मेन है एक्साइटमेंट, इसीलिए कहते हैं आर यू एक्साइटेड, यस, आर यू एक्साइटेड, यस, आर यू एक्साइटेड, यस, आर यू एक्साइटेड, यस, आर यू एक्साइटेड, यस। एक्साइटमेंट का बिजनेस है। अगर आपका पास एक्साइटमेंट है तो लोग आपका एक्साइटमेंट देख के ज्वाइन करते हैं। ये बिजनेस का एक फॉर्मूला है कि एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट एंड एक्साइटमेंट। आर यू ए कोर लीडर, खुद को आप सवाल करो, आर यू ए कोर लीडर, ये क्वालिटी आपका अंदर है, नहीं है तो डेवलप करो आज से। आपको हमेशा कमिटेड रहना है, कंसिस्टेंसी करना है, ओनरशिप मेंटालिटी में काम करना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, रिच रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, एजुकेशन सीखना है, एक्साइटमेंट के साथ काम करना है। ये क्वालिटी डेवलप किया, आप बन गए कोर लीडर। अगर कोर लीडर बन गए तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस में स्पीड आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आर यू ए कोर लीडर, आपको बोलना है यस आई एम। क्या बोलना, आर यू ए कोर लीडर, 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 आर यू ए कोर लीडर। खुद के लिए जोरदार ताली, कोर लीडर बनना है ये बिजनेस। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स अ बिजनेस ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट होने के बाद लाइफसेट होता है। जब तक आप माइंडसेट नहीं करोगे लाइफसेट नहीं होगा आपका। तब लीडरशिप सिखाते हैं, सिद्धार्थ सर कितना ट्रेनिंग देते हैं, एवरसम ट्रेनिंग, जबरदस्त ट्रेनिंग सिखाते हैं। आज कुछ आप भी सीख लिए, लेकिन आप सीखोगे, सीखने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करना है, माइंडसेट करना है। जब तक माइंडसेट नहीं करोगे लाइफ सेट नहीं होगा। आप तो सीख लिया, माइंडसेट करो, मैंने सीखा, मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, फील्ड वर्क करूंगा, मेहनत करूंगा और अचीव करूंगा, यानी मेरा ड्रीम को अचीव करूंगा। ये माइंडसेट होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट माइंडसेट देन लाइफ सेट। जब माइंडसेट नहीं करोगे तो लाइफ सेट नहीं होगा। कैसे माइंडसेट होगा, आइए मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूं। ये लिखा है ह्यूमन इज अ प्रोडक्ट ऑफ थॉट। मेरा हाथ में ये प्रेजेंटेटर है, ये एक प्रोडक्ट है। माइक्रोफोन एक प्रोडक्ट है, ये वॉच प्रोडक्ट है, ये सूट कोट ब्लेजर जो भी आप बोलते हैं ये भी प्रोडक्ट है, ये एलसीडी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक बॉल प्रोडक्ट है, कुर्सी प्रोडक्ट है, एवरीथिंग इज प्रोडक्ट। इंसान भी एक प्रोडक्ट है, कैसा, सोच का। मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ थॉट, ह्यूमन इज ए प्रोडक्ट ऑफ थॉट। ये इंसान एक सोच का नतीजा है। आप क्या सोच रहे हो उसका ऊपर डिपेंड करता है आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, आपका डेस्टिनी। तो सोच, आज आप कहाँ हो, कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ रहते हो, डज नॉट मैटर। क्या पाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, उसके बारे में सोचो। जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा, जैसे सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। ये इंसान एक सोच का नतीजा है। जैसे आज से मैंने सोचा था 2008 में, 2000 में, 96 में, जो जो सोचा सोच को मैंने कंटिन्यू किया। एक बार नहीं सोचना,
बार 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 एक चीज को सोचो, तब जाके वो दिमाग में घर कर लेगा, वो अचीवमेंट हो जाएगा। सोचो 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 सोचो, इतना सोचो कि ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, क्योंकि इंसान का जो ब्रेन है वो मैग्नेट है। जो आप सोचोगे वो मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए सोच को कंटिन्यू रखो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, सोच में आधा काम होता है। कैसे आधा काम होता है? सोच में एक थॉट, पहले इंसान का दिमाग में थॉट आता है, सोच, कोई भी विचार आता है, इसके बाद प्लानिंग करता है। जैसे आप लोग आए हो, सोचा, अपलाइन ने फोन किए, मैसेज किए कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में मेगा सक्सेस सेमिनार होगा, आपको आना है। तो आप पहले सोचे, फिर सोचने के बाद प्लानिंग हुआ, कैसे जाना है, बस में या ट्रेन में, तो प्लानिंग हो गया। इसके बाद एक्शन शुरू हुआ और रिजल्ट आप इधर है। यानी सोच में पहले आधा काम हो जाता है, बाकी तो ऑटोमेटिक अचीवमेंट लगता है। सोच में आधा, बाकी प्रोसेस में आधा, ये सक्सेस का फॉर्मूला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आपका पास क्या है क्या नहीं है दैट्स नॉट मैटर, लेकिन सोच सकते हैं? सोचने के लिए पैसा लगता है क्या? पैसा लगता है? जीएसटी लगता है? नहीं। सोच में कैसे आधा काम होता है, आइए हम देखेंगे सोच में आधा काम कैसे होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आप सब मुझे लेफ्ट हैंड दिखाओ, लेफ्ट हैंड दिखाओ। लेफ्ट हैंड को ऐसे करो, मुंह के सामने रखो, लेफ्ट हैंड को मुंह के सामने रखो, सब एवरीबॉडी रखा। अभी आपके हाथ में क्या है? क्या है हाथ में? खाली। क्या है? खाली। कुछ नहीं है, हाँ या ना? खाली है, सबका हाथ में खाली है। yes. अभी सोचो, अभी आपका हाथ में एक बाउल है, बाउल क्या है? बाउल है, सोच लिया। अभी सोचो बाउल के अंदर आप चार पीस नींबू रखो, सोच के मैं चार पीस नींबू रखा, अभी क्या रखा? चार पीस नींबू। अभी सोचो मैं दो पीस हरी मिर्ची रखा, क्या रखा? इसके बाद आप 10 धनिया पत्ता रखा, अभी आपका बाउल में क्या क्या है? चार पीस नींबू, राइट, कट करके रखा, ठीक है, कट पीस, चार पीस नींबू, दो हरी मिर्ची, 10 धनिया पत्ता और दो पीस लहसुन, क्या रखा? दो पीस। ओके, अभी आप थोड़ा सा नमक रखो, अभी आपका हाथ में क्या क्या है? चार टुकड़ा नींबू, दो हरी मिर्ची, 10 धनिया पत्ता और दो लहसुन, थोड़ा नमक, ठीक है। अभी हाथ ऐसे है सबका, अभी मिक्स करो, मिक्स करो, और मिक्स होने के बाद क्या हो रहा है मुझे बताओ। मिक्स हो रहा है? yes. क्या हो रहा है? मिक्स होने के बाद कुछ रिएक्शन हो रहा है? क्या हुआ? वो बोल रहे मुंह में पानी आ गया, आप लोगों का आ गया, सबका आ गया, खुद के लिए डाली दो जिसका आ गया। कैसे आया भाई? हाथ तो खाली था, सिर्फ सोचा, क्या किया? सोचा। सोच में इतना पावर है, आपका पास क्या है क्या नहीं है डजंट मैटर, सोचो। मैं 5 लाख कमाऊंगा, 10 लाख कमाऊंगा, कार आएगा, फॉरेन ट्रिप जाऊंगा, बढ़िया घर बनाऊंगा, माता पिता को विदेश घुमाऊंगा, सोचो, ऑटोमेटिक आपका बॉडी में इतना एनर्जी आएगा, ऊर्जा आएगा, मेहनत करोगे फिर आपका सपना पूरा हो जाएगा। सोचो रोज, आप ड्रीम को याद करो, ड्रीम मोड में रहो, ड्रीम मोड में, राइट। कितना प्रॉब्लम, चैलेंज, आंधी बारिश तूफान आएगा, वो चला जाएगा। अगर आपका पास सपना जिंदा है तो आप दुनिया में जिंदा हो, दुनिया आपको सैल्यूट करेगा, वो गारंटी है। सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ योर माइंड कंट्रोल यू, फेल्यूर। अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल किया, फेल्यूर हो जाएंगे। इफ यू कंट्रोल योर माइंड, आप सक्सेस हो जाओगे। ये इंसान का ब्रेन बहुत पावरफुल है। ये ब्रेन को इस्तेमाल करके कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई मंगल में पहुंच गया। ये ब्रेन कितना पावरफुल है। ये ब्रेन को करना क्या है, आप कैसे कंट्रोल करोगे,
अगर ब्रेन को आप कंट्रोल नहीं किया तो ब्रेन आपको कंट्रोल कर लेगा, ब्रेन आपको कंट्रोल कर लेगा, फेल्योर हो जाओगे। ब्रेन को अगर आप कंट्रोल कर लिया आप सक्सेस हो जाओगे। उसका फॉर्मूला मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। लिखा है ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना, आप मालिक हो, यू आर ओनर, योर माइंड इज सर्वेंट। आपका जो दिमाग है ये नौकर है और आप मालिक हो, ये आज आप सोचो और हमेशा सोचो। ऑलवेज रिमेंबर, आप मालिक हो और आपका दिमाग क्या है? सर्वेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपका घर में कोई एक नौकर है, आपका घर में नौकर है, आप क्या करते हो? आपका घर में एक नौकर है, आप जाके बोलते हो पानी लाओ, वो पानी लाता है, बोलते हो आप चाय लाओ, चाय लाता है। अगर नौकर आपको बोल दिया कि मालिक मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए चाय लाओ, क्या होगा? सत्यानाश, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ या ना? यस और नो? इंसान का ब्रेन क्या कहता है? हमेशा इंसान का ब्रेन कहेगा यार मीटिंग मत जाओ, बारिश हो रहा है, जितना इनकम है उतने में खुश हो जाओ, मेहनत मत करो। उस तरह से करना क्या है? ब्रेन को लगाना है थप्पड़, नहीं मैं मीटिंग जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा, टीम को बड़ा करूंगा, टीम के साथ काम करूंगा, मुझे सक्सेस होना है, लाखों रुपए कमाना है। आप माइंड का बात नहीं मानना, माइंड को हमेशा ऑर्डर देना। जैसे आप लोग क्या करते हो, रात को सोने से पहले माइंड को ऑर्डर दे देते हो कि रात को 4 बजे मुझे ट्रेन पकड़ना है या फ्लाइट पकड़ना है। सोच लिया मतलब ऑर्डर दे दिया। अगर आप ऑर्डर दे देते हो दिमाग को कि मुझे रात को 4 बजे उठना है, मोबाइल रिंग होने से पहले, मोबाइल अलार्म बजने से पहले आपका नींद खुल जाता है, ब्रेन उठा देता है, मालिक उठो, ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है। ये सुनो, माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन माइंड को ऑर्डर देना है। जब तक माइंड को ऑर्डर नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। आज से आप सब लोग मालिक हो और माइंड क्या है? नौकर। माइंड को क्या देंगे? ऑर्डर। ये सुनो, ये माइंडसेट का बिजनेस है। आइए माइंडसेट करेंगे और मीटिंग को ओवर करेंगे। आप सब खड़े हो जाइए, मुझे एक अंगुली दिखाइए, सब खड़े हो जाइए, एक अंगुली दिखाइए, एक अंगुली इधर लगाइए, घुमाइए इधर। ये माइंड को सेट करना है पहले, ये सेट हो जाएगा ना अपना लाइफ सेट हो जाएगा, माइंडसेट लाइफ सेट। आप मेरा साथ बोलिए, आज मैं माइंडसेट कर रहा हूं, मैं मिलियनेयर बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, सपने को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं मालिक हूं, मेरा ब्रेन नौकर है और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ये मेरा माइंड सेट है। मैं खुशी खुशी में काम करूंगा, ये मेरा माइंड सेट है। मेरा साथ अपलाइन है, मेरा साथ क्रॉस है, सिद्धांत सार है, मैं इंडिया का नंबर 1 कंपनी में बेस्टिस में हूं, ये मेरा माइंड सेट है। मुझे कामयाबी होना है, मुझे आगे बढ़ना है, कोई नहीं रोक सकता। आई एम अनस्टॉपेबल, मेरा साथ भगवान है, अपलाइन है, मैं आगे बढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, फील्ड वर्क करूंगा। मेहनत से इंसान आगे जा सकता है और बहुत बड़ा कामयाबी ले सकता है। मैं मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ये मेरा माइंडसेट है। जब आप माइंडसेट करोगे तो आगे जाओगे। आर यू रेडी? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैंने वो माइंडसेट के साथ काम किया और आज आपके सामने हूँ। मैं सारी थैंक्स देना चाहता हूँ माई गुरु।